बांद्रा में भी आपने वो चीज़ सपोर्ट करने आए थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे वन मंथ अभी हुआ है, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, आपने मंत्रालय को भी बोला है कि यू नो शूटर को आप खंडित कीजिए, तो क्या कहना चाहेंगे आप? आज एक महीना हो गया है अवनी को गुजरे हुए, लेकिन उसके गुजरने के बाद भी जो हमारे दिल में जो पेन के साथ जो आग लगी हुई है वो बुझी नहीं है और बुझेगी भी नहीं। हमने हर एक अथॉरिटी से कहा, हम मंत्रालय कहकर आए, हमने पुलिस स्टेशन में FIR दी है कि FIR नहीं दिए सॉरी, हमने लेटर लिखकर दिया गया है कि हमें परमिशन मिले कि हम असगर अली के खिलाफ FIR दर्ज करा सके। हम ये डिमांड करते हैं कि जो फॉरेस्ट मिनिस्टर मुंगतीवर है उसका रेजिग्नेशन लिया जाए, क्योंकि उस सबसे ज़्यादा बर्बादी उनके ही ऑर्डर से हुई है, और मिश्रा जिन्होंने बिल्कुल किसी चीज़ का ख्याल रखे बगैर परमिशन दी और रात को इलीगल तरीके से अवनी को मरवा दिया। अब इसके बाद हम ये कहते हैं कि भाई इनके कप्स का क्या है, तो हम ये चाहते हैं कि हमें ये बताया जाए। हमने बहुत सुना है कि वो कहते हैं कप्स अच्छे हैं, सही है, खाते हैं, पीते हैं, हम बैट रख रहे हैं, वो भी वो खाते हैं, लेकिन हम ऐसे झूठे लोगों को मान ही नहीं सकते अनलेस एंड अनटिल दे गिव अस द एविडेंसेस एंड द प्रूफ के भाई ये कप्स अच्छे हैं और अपनी जगह पर सही है। और हम ये भी नहीं चाहते कि अगर कप अच्छे हैं तो आप उनको पकड़ के लेकर आओ, इधर रखो उधर रखो, अगर वो अच्छे हैं तो आप वहीं के वहीं उनकी सुरक्षा का बंदोबस्त करो, उनके खाने पीने का बंदोबस्त करो, और ये डिफॉरेस्टेशन जो आप कर रहे हो ना वो बंद करो। हाँ, यही हमारी मांग है। कप्स को अब जिंदा रहने दो, और अगर वो जिंदा है तो आप उन्हें हमें पब्लिक एविडेंस चाहिए। आप जो कोई एक मिलने जाता है तो आप कहते हो हाँ वो अच्छे हैं, एक या दो लोगों को आप क्यों बता रहे हो? अगर ये तो ओपन चीज है, आप बताइए कि कप्स कैसे हैं, ताकि हमें भी ऐसा लगे कि भाई अवनी तो चली गई लेकिन कप्स जिंदा है और उनको बहुत अच्छी तरीके से अपनी जगह पर रखा जाए, इफ दे हैव बिकम सेल्फ सफिशिएंट। यही हमारा कहना है। इमोशनल अप्रोच है इस सारे मामले में। अवनी को मारा, बहुत दुख, बड़ा अफसोस हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और लोग जो लॉ का सहारा लेकर ये सब चीज़ें कर रहे हैं वो बिजनेस के लिए है, किस चीज़ के लिए मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि एक माँ की आत्मा की शांति के लिए एटलीस्ट उसके बच्चों का ख्याल करें, उन्हें ढूंढें, उन्हें महफूज रखें, ताकि और कुछ नहीं तो उनकी ज़िंदगी आगे खुशहाली से बढ़े। तो मैं यही सारी अथॉरिटीज से रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत हो गया, ये इनह्यूमन अप्रोच जो आप लोगों की है इसे ख़त्म कीजिए, एंड लेट्स बी ह्यूमन, लेट्स बी गॉड्स पर्सन एंड लुक आफ्टर दीज चिल्ड्रन। और छोड़िए ये सब बातें, बहुत हो गई, अब एक्शन करके हमें बताएं कि बच्चे नजर आती है। आज अवनी के लिए क्या कहना चाहेंगे कि मतलब किस तरीके से जो हुआ है उसके बारे में क्या है आपकी राय? बहुत डिबेटेबल है आपका प्रश्न। सबसे पहले आज सेकंड 2 तारीख है, 1 महीना हो गया अवनी के लिए, श्रद्धांजलि के लिए हम सारे इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर। गुफी भैया, गांगुली, जया भट्टाचार्य, सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, मैं भी, हम सारे, हमारी दोस्त हेमा चौधरी। और मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत कुछ समाज में होता आ रहा है, अब इंसानों को तो आप बख्शते नहीं हैं, एनिमल को भी बख्शना बंद कर दिया आपने। मतलब आप जिस तरीके की हरकतें कर रहे हो, आपने एक माँ से अपने बच्चे जुदा किए हैं। आप, मैं बोलती हूँ, ये कहना चाहूँगी, आप भूल जाइए ये एनिमल हैं, ये टाइगर हैं। आप देवी को पूछते हो, सारा संसार पूछता है, हमारी मेजॉरिटी हिंदू समाज की है। जब हमारी देश में हिंदू समाज की मेजॉरिटी है तो देवी का वाहन है टाइगर, शेर, शेरनी। यस यस, देवी का वाहन है, वेरी नाइस। जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, जय माता दी। आप जब देवी को पूजते हो तो आप उसके वाहन को ही आप वार कर रहे हो। आपने हमारा दिल दुखाया है। हम इंडिविजुअल हिंदुस्तान में जितने हिंदुस्तानी हैं नहीं जानते थे ये फॉरेस्ट मिनिस्टर का नाम क्या है। ये हरकत हुई उसके बाद सबकी जानकारी बढ़ गई, ये सो एंड सो नाम है उनका, जो मैं भी अभी भी पूरा उनका नाम समझती नहीं हूँ। सुधीर मुंगतीवार, सुधीर मुंगतीवार। मैं समझती हूँ समाज में, मैं समझती हूँ कि नेचुरल, अगर आप ये लॉजिकली देखा जाए तो अगर इंसानों को मार रहे हैं तो इसीलिए ये जानवर को, जानवर बोला जा रहा है ना, तो जानवर को मारा जाए।
आप देखिए ना, चाइना में जिस तरीके की हरकत होती है जानवरों के और हाथियों के दांतों से हार मालाएं ज्वेलरी इतने 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 मतलब दवाइयाँ चाइनीज दवाइयाँ इतना चाइना में जिस तरीके से जुल्म चल रहा है, यहाँ तक कि कुत्तों को भी मारा जा रहा है, यहाँ तक हिंदू हमारे हिंदुस्तान में भी आ गई ये सब चीज़ें जो केरला में ज़्यादा होता था। मैं थोड़ा मैंने आपको पहले ही स्टेटमेंट मेरी ये थी डिबेटेबल है, क्योंकि मैं बोलना चाहूँगी तो कहानी ख़त्म नहीं होगी और वन लाइनर है नहीं, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आपने क्या इंसानियत बरती है, पहला पॉइंट ये। आप इतने आप कर्म अच्छे करो ना, आप करो ना अच्छे, क्यों हमारे दिल को दुखा रहे हैं आप? आपने हमारे दिल को झिंझोर दिया है, आपने तकलीफ दी है हमें। हमें रातों की नींद नहीं आती थी जब जब हम जया भट्टाचार्य का वीडियो लाइव देखते थे, गांगुली के स्टेटस पढ़ते थे, और जिस तरीके से अवनी को समाज में जिस तरीके से जितने एनिमल लवर्स हैं हमारे हिंदुस्तान में कि इनकी जो प्रोटेस्ट होती थी, इनकी बातें होती थी, दिल दुखता है, बहुत दिल दुखाया ये फॉरेस्ट मिनिस्टर ने। और इसमें उसके बावजूद आप हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अब जा करके आपने एक माँ को बच्चों से अलग किया, आज बच्चे भूखे हैं। आपने ये कहा वो एनिमल मैन ईटर था, वो अवनी मैन ईटर था। मैं एनिमल इसलिए याद दिला रही क्योंकि ये उनकी ज़बानी है, मैं अपनी ज़बानी नहीं कह रही हूँ। अवनी तो नाम हमने रखा है, राइट? तो अपनी माँ को अलग किया बच्चों से, आज बच्चे भटक रहे हैं। क्या आपके परिवार में आपकी माँ को अगर इस तरीके से मारा जाए और आपके बच्चे अलग किए जाए, क्या ये लाजिब है? नहीं। क्या ये लाजिब है, आप मुझे बताएं? नहीं। तो आपने एक माँ का दिल दुखाया, माँ को आज आपने वहाँ भेज दिया जहाँ से वो वापस नहीं आ सकती। बच्चे माँ के लिए कितना रो रहे होंगे, तकलीफ में होंगे, माँ को ढूंढ रहे होंगे हर पल हर वक्त, और आज भी उन बच्चों का पता नहीं वो कहाँ है। मुझे मैं अपडेट देखती रहती हूँ गूगल में जा करके, और अवनी द टाइगर का एक जो साइट है फेसबुक में, मैं देखती रहती हूँ कि बच्चों का क्या हुआ, बच्चे कहाँ हैं। तो एटलीस्ट अभी हमारी ये गुजारिश है, जिस तरीके से इन्होंने इंसानियत एक धप्पा लग गया है, आप मुझे बताएं मेक इन हिंदुस्तान के लिए आप इस तरीके का मेक इन सिटी कर रहे हैं? आप तकलीफ दे रहे हैं, हमारे दिल को दुखा रहे हैं, हमें तकलीफ हुई है, बहुत दर्द हुआ है। आप जब एक इंसान जब एक परिवार में मरता है या मारा जाता है, हमें कितने क्रोध आते हैं, हमारी कितना दिल दुखता है। ये भी एक परिवार है हमारा, ये हमारा नहीं पूरे हिंदुस्तान का परिवार है। Yes, it's the national animal. उसके बावजूद आप ये हरकत कर रहे हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं, प्रश्न ऐसे हैं कि जो खत्म नहीं होने वाले, क्योंकि इसके उत्तर हमें नहीं मिलने वाले। ऐसा है कि आप ऐसी पावर में, ऐसी ताकत में आप बैठे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी तरह का आप डिसीजन ले सकते हैं। हमने आपको बनाया है, हमने आपको वहां पहुंचाया है, आप जनता का दिल दुखाएंगे तो भाई हम आपको ऐसे फॉरेस्ट मिनिस्टर को दोबारा वोट नहीं करेंगे। ये फॉरेस्ट मिनिस्टर को नीचे उतरना चाहिए, अपनी पदवी से खुद नीचे उतरना चाहिए। परिवार में अपने क्या मुंह दिखाते होंगे, अपने परिवार में अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, क्या इतने इनके बच्चे खुद नहीं कहते होंगे पापा आपने ये सही नहीं किया, आपने पापा आपने नहीं कहते फॉरेस्ट मिनिस्टर हाय हाय। तो इस तरीके की जो हरकतें हुई है ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत तकलीफदायक है, हमारा दिल दुखा है और बहुत दिल दुखा है। मैं तो यही कहना चाहूंगी, जिस देश में आप देवी को पूछते हो उसके वाहन को आपने एनिमल को मारा जा रहा है, किस लिए? ताकि उनकी जो फॉरेस्ट लैंड है वो उठा के दे दी जाए आपके बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को। मैं पूछना चाहूंगी, मैं सिर्फ आज एक महीने बाद हम यहाँ खड़े हैं वैसे ही मायूस शक्ल लटका के, मतलब एक तरह से लानत है हम सब पर कि हम अब तक कुछ नहीं कर पाए। ये नहीं है कि हमने हथियार डाल दिए और आगे जाके कुछ नहीं करेंगे, बट मैं पूछना चाहती हूँ उस इंसान से जिसके नाम पर मैंने वोट दिया था, मोदी जी से। चार पॉइंट्स के लिए हम इकट्ठे हुए, स्पेशली आज एक महीना हो गया, अवनी मरी नहीं है। वैसे भी हम जो एनिमल लवर्स है वो नहीं बोलते कि वो हमारे अंदर जीवित है, तो अवनी चली गई हमें छोड़ के, उसका मर्डर किया गया, आज पूरा एक महीना हो गया है। सो हमने, हमारे ट्रस्ट ने, हमारे एनिमल एक्टिविस्ट लोगों ने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को 8 दिन पहले हम लेटर देके आए थे, वी हैव गिवन ए लेटर टू हिम सीएम दैट 4 पॉइंट्स दैट बैन शफत अली दैट हंटर एंड पुट ए फेयर ट्रायल अगेंस्ट हिज सन असगर अली एंड वी वॉन्ट दिस फॉरेस्ट मिनिस्टर सो कॉल्ड, आई डोंट वॉन्ट टू टेक हिज नेम ऑल्सो, इमिडिएटली सैक। एंड चौथा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेर इज द कब्स? हमें अलग अलग यू नो वीडियोज दिखाए जा रहे दैट येस्टरडे सम स्टेटमेंट केम दैट the cubs are eating cattle and goats inside the jungle and
एंड दे स्टार्टेड ईटिंग द कैटल्स, तो कैटल्स को लेने गांव वाले अंदर जाएंगे फिर से और गांव वालों को भी कैटल्स खा लेंगे, मतलब शेर खा लेंगे, देन दे विल अगेन डिक्लेयर द मैन ईटर द कप्स को. तो ये एक को तो मार दिया, तो मुझे मेरे को ना हाथ जोड़ के पब्लिक को, मतलब देश के कोने कोने में ऐसे कहते हैं 1,500 करोड़ की आबादी है हमारे देश में, ये आप मीडिया से भी मुझे मतलब हाथ जोड़ के दरखास्त है कि आप जाए कोने कोने में मेरी आवाज़ पहुँचाएं कि जितने भी आबादी है मेरे देश में, हिंदुस्तान में, ग्लोबली, बच्चों को पहले बचा जाए. और दे शुड नॉट बी ए सेकेंड अवनी. No more kill tigress. That's all. No more wildlife finish. मैं पूछना चाहूंगी, और हम प्रोटेस्ट कर करके भी थक गए, हर कोने में, हर जगह पे सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, एनिमल लवर्स हैं, छोटे से छोटे कोने में, अभी तक गवर्नमेंट ने चू तक नहीं की अपने पोजीशन से हटके. हम मंत्रालय में भी रोज जाके कोई ना कोई प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं. तो ये मीडिया ही है, आप लोग कान तक आवाज पहुँचा सकते हैं. उसका क्या किया, उसके दांत का क्या किया, उसकी चीज़ों, उसकी जो शरीर में नाखून जो जो लोग जो बेचे जाते हैं उसका क्या किया, उसका भी प्रश्न है. तो जिसने मारा वो हंटर ही थे, वो सभी बेच के वो भी एक हंटर ही थे, तो वो सब चीज़ें कहाँ गई, वो भी क्या उसी उसी चीज़ों को भी आप लोगों ने जिन्होंने मारा क्या उनको. There is lot of legal loopholes in this case also. Yes, that like, is. You know, it's a postmortem report में जो भी आया, जो भी हमें दिखाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि आप रात को 11 बजे जाके उसको गोली नहीं मार सकते अकेले आदमी. देर इज, जैसे हमारे इंसानों में फांसी होती है तो एक डॉक्टर, एक पादरी, एक हर एक चीज, उनको फांसी की सजा सुनाई जाती है तो फांसी से ही मारा जा सकता है. आप गला दबा के, गोली मार के, मुक्का मार के उनको नहीं मार सकते हो. तो इसको जो कंटेम टू कोर्ट किया गया, जो ऑर्डर था कोर्ट का, कि एक वेटरनरी डॉक्टर भी रहेंगे साथ में, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स भी रहेंगे साथ में, जब भी उसको गन डाउन, पहले तो ट्रैंकुलाइज करने को बोला था, वो किया नहीं है, और गोली उनके पीठ में लगी है, और बोला गया कि वो सेल्फ डिफेंस में मारी गई है, तो पीठ में कहाँ से गोली लगी है. तो ये सब चीज़ें एक मीडिया ही है जो शायद हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा सकती है. हम सड़कों पर काफ़ी खड़े हुए, अभी भी आज भी हम यहाँ पर हैं लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में, अंधेरी, मुंबई में, 3 बजे से 6 बजे तक हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करें. हमारे और एक कुछ वॉलंटियर्स बैंसन में प्रोटेस्ट करिए, पर नेक्स्ट हम इकट्ठे होकर मंत्रालय के बाहर जाने वाले, और इस बार जाके मोर देन 5,000 पीपल, आई गेव ए लेटर टू ऑनरेबल सीएम ऑल्सो, हम वहाँ पे लेट जाएंगे और वापस ही नहीं आएंगे जब तक जस्टिस नहीं मिले. मैं ये कहना चाहूँगी कि आगे जाके जब इस तरीके की ये सब जो हो रहा है हमारे समाज में, इसका जिम्मेदार सबको पता है कौन. ये जो बातें बाहर आ रही हैं, ऐसा पैसा किस काम का, ये पैसे ऐसे पैसे तरक्की पे काम पे नहीं आते. इसका जो रिपरकशन होता है, क्योंकि नेचर हिंदुस्तान में जिस तरीके से हमारा फॉरेस्ट, जो हम मैनग्रोव कहते हैं, और उसको भी जिस तरीके से वो गलत तरीके से आप लोग ये जो कर रहे हो, इसका रिपरकशन, क्योंकि कलयुग होने के बावजूद इसका रिपरकशन परमात्मा देता है, और इसका रिपरकशन बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा. तो ये कि आज के दिन अवनी को मरे हुए 1 महीना हो गया है, तो हम लोग सब अपनी तरफ से दिल से दुआ कर रहे हैं कि वो जहाँ भी हैं उसकी आत्मा को शांति मिले. उसके बच्चों के लिए हम लोग ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं कि जहाँ भी वो बच्चे हैं वो सुरक्षित रहें, क्योंकि वो इतने बड़े नहीं हैं कि वो खुद को दूसरे बड़े वाइल्ड एनिमल से बचा सकें. आज हमारा गवर्नमेंट से डिमांड है कि आपने इतने एनिमल एक्टिविस्ट, इतने सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया, अभी ना गवर्नमेंट गांधी जी के रूल्स को फॉलो तो कर रही है, बट वो आधे तरीके से कर रही है. गांधी जी का रूल था बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो. गवर्नमेंट का हो गया कुछ मत देखो, कुछ मत सुनो, कुछ मत बोलो. ना वो देख रही है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ना वो सुन रही है, ना वो बोल रही है. तो कम से कम अपने देशवासियों को, क्योंकि गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू अस, हम लोगों ने उनको वोट दिया है, वो आंसरेबल है. जब इतने सारे लोग मिलकर सवाल पूछते हैं कि बच्चे कहाँ हैं, उनको एक प्रॉपर एविडेंस देना चाहिए. आप अगर किसी क्रिमिनल पे केस चलता है, इतने लोग सवाल उठाते हैं, तो भी आप एविडेंस प्रूव करते हैं कि क्रिमिनल नहीं है. गवर्नमेंट शुड ऑल्सो गिव अस द एविडेंस कि नहीं, वो बच्चे सुरक्षित है, कम से कम उनके ऊपर से ये दब्बा हट जाएगा. दूसरी बात ये है कि हम लोग ये चाहते हैं कि शफकत अली खान इज नॉट अ रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर. अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट लाइफ एक्ट, एक रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर ही अपनी सर्विस फॉरेस्ट लाइफ में दे सकता है. शफकत अली खान एक शौकीन नवाब है. तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि अब नवाबों का और रजवाड़ों का जमाना नहीं है, वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी. तो शफकत अली खान को भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फॉलो करना चाहिए. अब वो रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर नहीं होने के बाद भी अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो बेचारे फॉरेस्ट ऑफिसर इतनी पढ़ाई लिखाई करके, इतनी मेहनत करके अपनी सर्विसेज देते हैं, इट्स लाइक एन इंसल्ट फॉर देम, क्योंकि वो उनकी पढ़ाई लिखाई की कुछ वैल्यू ही नहीं है.
he has no rights to provide his service, तो शफ़त अली और उनकी टीम को इमीजिएटली बैन करना चाहिए. तीसरी बात है मुंगतीवार सर, जो हम सर भी नहीं बोल सकते, हम सॉरी, मुंगतीवार पर इतने सारे लोगों का आरोप है, तो एक इंसानियत होने के नाते, एक शर्म होने के नाते कि भैया आंखों में शर्म है, इतना इल्ज़ाम लग रहा है, एक फेयर ट्रायल बिठाओ. जब तक फेयर ट्रायल नहीं आ रहा है तब तक रेजिग्नेशन दो. उस फेयर ट्रायल में अगर आप क्लियर प्रूफ हो जाओगे तो हम इज्जत के साथ आपको बोलेंगे कि सर अपनी प्रेस मीट फॉर अस दी पब्लिक दी नेशन इतने क्वेश्चंस कर रहे हैं, नथिंग, प्रेस मीट भी उन्होंने नहीं समझे, पंद्रह में जवाब तो दे कम से कम. और इतने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुए हैं, आफ्टर सनसेट आप किसी भी जानवर को ट्रांसकुलाइज भी करना चाहते हैं, मारना नहीं चाहते, तो आफ्टर सनसेट आप नहीं कर सकते हैं. उन्होंने आफ्टर सनसेट 11 बजे जाके जंगल में उसको मारा है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से अवनी 5 दिन से भूखी थी, उसके पेट में गैस और कुछ लिक्विड फ्लूड मिला है. अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रिसर्च, जो साइंटिफिक प्रूफ होते हैं, कोई भी मैन ईटर जानवर जो होता है वो भूखा रह ही नहीं सकता है. वो 5 दिन कैसे भूखी रही अगर वो मैन ईटर थी तो. उस जगह पर जहां अवनी को मारा गया है वहां पर कोई भी वेटेरियन मौजूद नहीं था. हम लोग बार बार, जितनी बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जितनी बार हम लोग गवर्नमेंट से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ ये बोल रहे हैं कि वहां कोई वेटेरियन नहीं था. तो आज बेजुबान पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट की हेमा चौधरी, मैं और हमारे जितने भी मेम्बर्स हैं, सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमने मंत्रालय में CM को एक लेटर दिया है जिसमें क्लियर लिखा है कि अगर 8 दिन में उन्होंने कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया तो जितने भी एनिमल एक्टिविस्ट हैं, हम आपके थ्रू, इस मीडिया के थ्रू, ऑल ओवर इंडिया से एनिमल एक्टिविस्ट को रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आइए और मंत्रालय के सामने हमारे साथ चलिए, क्योंकि अब ये गवर्नमेंट मीडिया के थ्रू सुन नहीं रही है, किसी तरह नहीं सुन रही है. सरकार को इतना भड़काया, मुझे अक्सर फोन बजते हैं कहीं से मैं जाऊँ अगर प्रोटेस्ट की, जैसे कुछ लोग पब्लिक भी आई है तो पहला क्वेश्चन कहते हैं 13 लोगों को मार दिया था आप लोग, उसको क्यों बचा रहे हैं? 13 लोगों को पब्लिक में इतने अफवाह फैला के रखे कि शेर ही गलत है. आप एक बार बताओ ना, अगर आपको पता है वहाँ शेर है तो आप वहाँ जा क्यों रहे हो? 13 लोग साबित ही नहीं कर पाए थे, सरकार साबित ही नहीं कर पाई अभी तक. आज 1 महीना हो गया मेरी हत्या करके, लेकिन मैं मैन ईटर नहीं हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा है. और मुझे जब मारा गया तो कानून का उल्लंघन करके तोड़ा गया है. पहली बात तो असगर अली टीम का मेंबर था, उसे अधिकार नहीं था मुझे मारने का, उसने सनडाउन गन डाउन कानून को तोड़कर मुझे मारा है. तो इसलिए सबसे पहले असगर अली खान को इमीडिएट अरेस्ट करना चाहिए. और मुनगंडीवार जी ने बिना कुछ जाने, क्योंकि उन्हें कोई भी जानकारी नहीं वनों की और हम वन्य प्राणियों की, तो उन्होंने मुझे बहुत बुरी तरीके से मुझे फंसा के मारा. मैं ईटर नहीं हूँ, मैंने असगर अली के ऊपर कोई अटैक नहीं किया था. असगर अली ने मुझे पीछे से गोली मारी है, वो भी रात के समय, और मुझे अब तक पता नहीं है कि मेरे बच्चे कहाँ हैं. मुझे हर रोज भ्रांति में लोगों को डाला जा रहा है कि मेरे बच्चे यहाँ हैं वहाँ, तो मुझे तो जवाब दो कि मेरे बच्चे कहाँ हैं. और मुनगंडीवार इमीडिएट इस्तीफा दीजिए. वन इम्पोर्टेंट थिंग इज दिस, कल टाइम्स ऑफ इंडिया में या किसी न्यूज़पेपर में मुनगंडीवार का एक स्टेटमेंट आया है कि कैटल्स गांव में जा रहे हैं, जिनको बचाने के लिए शायद से गांव वाले भी जाएंगे, और वो जो अवनी के कब्स हैं वो उन इंसानों पर अटैक करेंगे. तो आई जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग, ये कभी नहीं होना चाहिए कि कल को आप उसके बच्चों को मैनीटर प्रूफ कर दें और उनको भी मार दें. तो सेव द कब्स. अगर कल को ये प्रूफ होता है कि अवनी के बच्चे मैनीटर हैं तो ये एक पॉलिटिकल साजिश होगी. मैं एक बार हो चुका है उसकी माँ के साथ, दोबारा ना हो. कम से कम स्टेटमेंट देना उन लोगों ने शुरू कर दिया है ऑलरेडी. पहली बात पेपर में सरकार ने ये बोला था, सरकार को जमीन चाहिए, वो जंगल चाहिए, तो वो हर कोशिश करेंगे, हर झूठी बातें बोलेंगे कि अवनी के बच्चे भी मैन ईटर है, जबकि सरकार ये तक प्रूव नहीं कर पाई थी कि अवनी खुद मैन ईटर है, तो उसके बच्चे कैसे मैन ईटर होते. सरकार बहरी नहीं है, वो अंधी नहीं है, उसको बोलो सच्चाई के साथ खड़े रहने. जब तक बच्चे 18 महीने के नहीं होते वो लोग शिकार करना अपनी माँ के साथ ही सीखते हैं. आप ये गूगल कर लीजिए, इसमें पूरा एविडेंस आपको गूगल में मिलेगा. बच्चों ने कोई शिकार नहीं किया है, इसका कोई एविडेंस नहीं है वहाँ पे. और सबसे पहले सरकार से कहिए बच्चे दिखाए हमें, एग्जिस्ट हो ही नहीं रहा है T1 ने. और पहली बार जिस अवनी का नाम लिया वो अवनी नहीं है, वो अभी अग्नि हो चुकी है. यस, अब वो ऐसी अग्नि है कि आप देखिए पॉसिबल ही नहीं है. और वो लोग वीक में एक ही बार शिकार करते हैं, अगर उसके कब्ज ने किया भी है तो वो एक ही बार होता है. हर रोज अचानक 2 गोट उठा के लेके चले गए, उसके बाद एक काऊ उठा के लेके चले गए, उसके बाद इमीडिएटली और कुछ उठा के लेके चले गए, पानी खा लिया, सब नॉनसेंस. सब वीक में एक ही बार आप कोई भी बुक्स ढूंढ लीजिए, कोई भी बुक्स ढूंढ लीजिए, उसमें यही मिलेगा कि शेर शिकार सिर्फ 5 दिन में एक बार करता है. देखिए बेजुबान पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट और सारे एनिमल एक्टिविस्ट सिर्फ ये डिमांड करते हैं कि जो भी उन्होंने अवनी पर इल्जाम लगाए हैं वो साइंटिफिकली प्रूव कर दें.
एक फेयर ट्रायल बिठा दें, अगर जिंदा ही नहीं है फेयर ट्रायल, अगर फेयर ट्रायल बिठा दें अगर उनके सरकार दोषी नहीं है, उनका मतलब कोई फोटोग्राफ नहीं है, ऑफिसर दोषी नहीं है, तो हम माफी मांग लेंगे कि भैया हमने गलती कर दी, पर अगर वो दोषी है उनको किसी भी हाल में सूखा हुआ माफी की दी जाए। अभी हमें प्रूफ चाहिए, हमें प्रूफ चाहिए कि आप प्रूफ करो, जब कब दिखे अवनी को मारा गया उसका ब्रेस्ट सूख चुका है, कोई भी मदर का ब्रेस्ट अपने ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को फीड करते हुए सूख नहीं सकता, हर कोई लेडीज यहाँ पे मदर होगी या नहीं हुई तो होने वाली होगी, वो लिटरेचर पढ़ ले और उसका रिएक्टेड। प्रेस द बेल आइकन ऑन यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। Wow.